जी। तो देखिए, आ रही है ना जी आ रही आ रही आ रही। आवाज? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो देखिए, आज चूंकि राजीव गांधी जी का भी जो है कि वो शहादत का दिवस है, इसलिए, और हम उनके उनके बेटे की के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में, तो मैं राजीव गांधी की स्मृति में मैं नमन करना चाहूंगा। और देखिए, राहुल गांधी का मैंने आपसे पहले भी एक एपिसोड में बात करी थी, और इस इंटरव्यू को मैंने देखा पूरा, बकायदा शुरू से लेकर अंत तक। और राहुल गांधी, अभी मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूंगा कि क्यों जो है कि भाजपा इस तरह से डाइवर्ट करती चीजों को। तो देखिए, राहुल गांधी इसमें उन्होंने जो है तमाम सवालों के जवाब बड़े ही इतने आसान तरीके से और अच्छी तरीके से दिए। हालांकि मुझे लगता है कि एक फर्क मैंने देखा कि टाइमिंग का भी उनको सेंस नहीं है। आपने देखा होगा कि जो वीडियो मैंने देखा कांग्रेस की तरफ से जो रिलीज हुआ था, कि जिसमें जब वो इंटरव्यूअर जो है वो कांग्रेस के बारे में या पूरे बता रहा है सीरियो, और उनकी जब एंट्री पहले ही हो जाती है तो वो जो इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है। अगर वो उस टाइम कहते कि और अब जो है कि उसके जो है उस पार्टी से राहुल गांधी आ रहे हैं, उस समय वो एंट्री लेते, तो मुझे लगता है ज्यादा जो है कि एक बड़ा ही अप्रोप्रिएट होता, और उनकी एक एंट्री का जो महत्व भी होता वहां पे। बहरहाल यही है, थोड़ा टाइमिंग का उनको अंदाज हो जाता है, इसी में जो है कि मोदी जी आगे निकल जाते हैं टाइमिंग को लेके जो है वो। बहरहाल देखिए, लेकिन आज राहुल गांधी ने बहुत से जो है प्रश्नों के बारे में जवाब दिया, एक मतलब मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में। मुझे लगता है कि जो बात हमने चर्चा पहले भी की थी कि थोड़ा सा उनकी कमी है मैच्योरिटी की, जो पब्लिक डिबेट्स में या पब्लिक स्फेयर में जो वो बात करते हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू मैंने देखा, इसमें निश्चित रूप से जो है उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ और एक ही विश्वास के साथ जो है जो बातें कही हैं उन्होंने। और देखिए, उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें कोई ज्यादा गुरेज नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं है कि गलत हों वो बातें, क्योंकि चाहे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया है उन्होंने। ये कोई भी विपक्षी या भाजपा या जो टेलीविजन चैनल है इस बात को नहीं उठा रहे हैं, और जो ये बात उठा रहे हैं कि केरोसिन की, तो केरोसिन की बात एक मुहावरा है जो, और उन्होंने वो बात कही है उस सिचुएशन को बताने के लिए, और वाकई स्थिति है। आप देखिए सांप्रदायिक जिस तरह से हालात पैदा कर दिए गए हैं, और कल को क्या हो जाएगा, किस तरह का दंगा हो जाएगा, किस स्तर पे दंगा हो जाएगा, आप कह नहीं सकते लगातार। आप जो है कि जिसको कहते हैं कि वो एक कदम पटाखों पटाखों के ढेर में बैठे हुए हैं, बैठाया जा रहा है आपको, कब आपको आग लग जाए, एक फुलझड़ी भी उधर से आ गई और आप ये बर्बाद हो जाएगा पूरा पूरा। इसी की तरफ उन्होंने इशारा किया, जिसको कि जो है कि ये मीडिया वाले और जो है कि भाजपा वाले ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से देख रहे हैं और 84 के दंगे की बात कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी, एक बात और कहा जा रहा है कि डीप स्टेट को लेके जो राहुल गांधी ने कहा, और डीप स्टेट को लेके जो कहा, ये कहा जा रहा है कि तो ये तो भारतीय स्टेट के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहे हैं। दरअसल ये जो है कि ट्विस्ट करने वाली बात है, गलत बयानबाजी है। डीप स्टेट की बात उन्होंने करी, हालांकि मुझे लगता है कि डीप स्टेट जिस संदर्भ में उसका इस्तेमाल होता है उस डिग्री का भी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। थोड़ा सा कहीं राहुल गांधी ने उसकी चर्चा कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि वो आगे की बात शायद कर रहे थे और पाकिस्तान का जो उन्होंने उदाहरण दिया उसमें। और लेकिन हाँ, ये बात है कि आज जो है कि हमारे यहाँ भी ये फैक्ट है कि देखिए कॉरपोरेट जिस तरह से जो है कि धार्मिक गुरु जिससे कॉरपोरेट जिस तरह से पूरा सरकार को चला रहे हैं, और जिस तरह से पॉलिसी तय हो रही है, और यहां तक कि जो भी सिक्योरिटी एडवाइजर तीसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इस सरकार में, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ टचेस जो है, शेड्स ऑफ डीप स्टेट जो है अभी है हमारे यहाँ, उस तरह से नहीं है। तो अब देखिए, जो जिस बात को उजागर राहुल गांधी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो उसको लेके, चाहे जो स्थितियां बीजेपी ने बना दी है आरएसएस का प्रभाव को लेके, यहां तक कि उन्होंने कादर बेस्ड पार्टी की बात करी कि किस तरह से कादर, और उन्होंने इसमें जो है कम्युनिस्टों का भी खींच लिया, उन्होंने सीताराम येचुरी भी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा इस बात को, और ये बात सही है, उन्होंने कहा कादर में ये होता है, एक बात आपको घुट्टू की तरह पिला दी जाती है, आप बिना सोचे समझे वो जो है बात करना शुरू कर देते हैं, और ये सही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कांग्रेस इस संदर्भ में वो नहीं है, और हम हो भी नहीं सकते हैं कि कादर बिल, क्योंकि हम जनता के जो है विचारों को लेते हैं, उनकी शिकायतों को लेते हैं, सुनते हैं, टेबल पे लाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, जो आपने सवाल किया उसका यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी
ये अप्रिशिएट कर ही नहीं सकती। वो ये कहते हैं कि साहब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप, मोदी जी की बात, मोदी जी चूंकि आप जो है कि फ्रंट पे रहते हैं, सब कुछ मोदी जी करते हैं, तो उनका उनकी बात का भी बात उन्हीं का विरोध होगा। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, तो इनकी जो असफलताएं हैं उसमें साफ साफ जो उन्होंने एक पिक्चर बहुत क्लियर कट खींच दी वहां पे, और वो भी जाके एक विदेश की भूमि में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ है। तो इसका इनको यही एक तरीका आता है कि वो डाइवर्ट करने के लिए वो सीधे सीधे जो है कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और आपने क्या किया, आप अपना हिसाब दीजिए ना, उसने क्या किया, पिछली पार्टी ने या कांग्रेस ने क्या किया, वो उसके लिए उनको बहुत जो है कि क्रिटिसिज्म हुआ है, लताड़ा गया है, उनकी आलोचना हुई है, जिस टाइम उन्होंने इस तरह के काम किए उसकी आलोचना हुई, आज भी उसके ट्रेसेज इमरजेंसी के आज भी है, 84 के दाग आज भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनकी आलोचना होती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका जो है सीधे सीधे जो है आप जो कांग्रेस पे डाल देते हैं, चाहे 84 के दंगे हो, चाहे दूसरी इमरजेंसी की बात हो, तो लेकिन आप अपने भूल जाते हैं कि आप दंगे कितने कराते हैं, और 2002 में जो गुजरात में हुआ उसको आप छिपा जाते हैं या उसका दूसरा स्पष्टीकरण देने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये हताशा है, असफलता है, और चूंकि एक नैरेटिव को जो है ये घुमा देते हैं। और देखिए जनता को, चूंकि देखिए जनता की आपने बात करी, तो जो पूरा मास मीडिया, मैंने कहा पहले भी आपसे कहा था कि कॉरपोरेट मीडिया पूरी पूरी तरीके से इनके इशारे पे काम करता है, और पूरी तरीके से जो है कि इनके नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, और तुरंत वही अभी देखिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक जाती है, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी एक एपिसोड में, कि इस समय हम देख रहे थे जितना भी इनके पास मास मीडिया के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कम से कम ये इंटरव्यू बहुत तेजी से चलना चाहिए था, ताकि लोग समझें कि ये जो है कि एक राहुल गांधी है जो साफ गोई से और बहुत अच्छी तरीके से आसानी से जवाब दे रहे हैं, और एक मोदी जी हैं जो जर्मनी में जो है ये आदेश संदेश दे देते हैं कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मीडिया का सामना नहीं कर सकते वो है, और बाहर आके कहते हैं ओ माय गॉड आपको इधर रख दिया गया। तो ये मोदी जी है और ये राहुल है जो साफ गोई से जवाब दे रहे हैं, और एक नहीं हर तरह के सवालों पे, चाहे डिफेंस हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, और चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मैटर की बात हो, सब पे उन्होंने दिया है ये कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिखाया है। निश्चित वो बात एक है कि एक नेता में होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस यहां पे भी जो है इस चीज का उतना प्रचार नहीं कर पाई है जितना करना चाहिए था। और भाजपा को देखिए, कभी ये वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि राहुल गांधी इस तरह की, जिसको वो पप्पू डिक्लेयर कर चुके हैं और लगातार पप्पू डिक्लेयर करने के फिराक में रहते हैं, वो कभी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे कि एक मैच्योर स्टेटमेंट्स जो है वो राहुल गांधी के मुंह से निकले, वो बात करें। बहुत आसानी से वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, और जो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी, उन्होंने कहा आइडिया ऑफ इंडिया इज एमर्जेंस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन स्टेट्स, उससे ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन निकला है, उससे हर स्टेट का उसमें एक रोल है, हर स्टेट का मतलब हर क्षेत्र की जनता का उसमें रोल है, जो संविधान बनाया गया है वो सबका है, सबके बराबरी का है। तो ये उन्होंने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी, जो है कि वो एक ग्लोबल लेवल पे जो है कि वो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अगर वो खत्म हो गई तो फिर जो है कि बहुत कुछ खत्म हो जाएगा इस पूरे प्लेनेट में। तो ये खूबसूरत बातें हैं और ये सच है इस हमारे देश का। वही भाजपा आज क्या कह रही है, उनके कुछ जो उनके चैनल्स हैं वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब इन्होंने देश के खिलाफ बात कर दी, भारत माता का अपमान कर दिया, भारत माता कहीं आती नहीं है वहां पे। तो आप सोचिए कितने नीचे स्तर पे बीजेपी गिर जाती है। बीजेपी को देखना चाहिए और मीडिया वालों को खासकर देखना चाहिए कि क्या राहुल कह रहे हैं और उसमें क्या सच्चाई है इस बात को। आप सिर्फ एक पार्टी के प्रभाव में आके इस तरह से जो है कि अनर्गल आप जो है बातचीत करें, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और जहां आज नहीं तो कल देखिए जनता को समझ में आएगा। आज जनता जो पूरी तरीके से जो अंधी हो चुकी है, जो जिस तरह का मीडिया का प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है, उसकी वजह से एक न एक दिन ये बातें समझ में आएंगी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है तब थोड़ी सी एक समझदारी चाहूंगा मीडिया पर राहुल गांधी।